कॉफी का पेड़ देखकर साथियों हैरानी तो होती है ना। मैं तो पहली बार देख रहा हूँ कॉफी का पेड़। आपने अगर देखा है तो कमेंट करके बताएं। सामने देखिए छोटी छोटी कॉफी लग रखी हैं और ये हसीन वादियाँ हैं कर्नाटक राज्य के मडिकेरी डिस्ट्रिक्ट के कूर्ग स्थान की। कूर्ग एक ऐसा शहर जहाँ पर बहुत भारी संख्या में कॉफ़ी का उत्पादन होता है। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कॉफ़ी कैसे बनती है और पूरी प्रोसेसिंग कैसे होती है। साथ ही ले चलेंगे उन खूबसूरत और हसीन नज़ारों में जहाँ पर झींगुर और तितलियों की आवाज़ आपको मदहोश बना देने वाली है। तो हमने ले ली है स्कूटी किराए पर और हम चल दिए हैं कॉफ़ी स्टेट घूमने के लिए। कॉफ़ी स्टेट बहुत ही खूबसूरत नज़ारों के साथ यहाँ पर बना हुआ है। हम लोगों ने यहाँ पर टिकट ली और कॉफ़ी स्टेट के अंदर हम दाखिल हो गए। यहाँ पर आने के बाद हमें लगा कि हम मानो किसी दूसरे देश में आ गए हों। खूबसूरत नज़ारे, हसीन वादियाँ मानो दिल को खुश कर देती हैं। हमने यहाँ पे एक टूरिस्ट गाइड लिया है, लेकिन गाइड का चांस देखिए, गाइड को ऐसे लिया कि गाइड हमें घुमा रहा था या हम गाइड को घुमा रहे थे, कुछ मालूम ही नहीं पड़ा। किस तरीके से खूबसूरत फूलों की लताएं नीचे की तरफ हमारा स्वागत करती हुई दिख रही हैं इस कॉफ़ी स्टेट में। साथ ही पूरे वर्ष भर हरे भरे रहने वाले ये पौधे, सदाबहार पौधे, क्या खूबसूरत व्यू देते हैं दोस्तों, देखकर दिल खुश हो जाता है। हम लोग कॉफ़ी स्टेट में पहुँचे। यहाँ पर कर्नाटक मशहूर है कॉफ़ी के लिए, हनी के लिए, और साथ ही आपने सुना होगा वीरप्पन जो कि चंदन तस्कर माफिया था, वो यहाँ पर चंदन के पेड़ भी बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं। तो इस ब्लॉग में हम आपको बताएंगे कि कॉफ़ी कैसे बनती है, कॉफ़ी का पेड़ कैसा होता है, कॉफ़ी कैसे लगती है, पूरी प्रोसेसिंग कैसी होती कॉफ़ी की, और साथ ही जो कॉफ़ी का इतिहास है वो शायद आप जानते होंगे कि लगभग 1000 वर्ष पहले बाबा बुदान गिरी सऊदी अरब से 7-8 बीज लेकर के आए थे। उन्होंने यहाँ से थोड़ी ही दूर एक बुदानगिरी की पहाड़ी है, वहाँ पर उन बीजों को बोया था। उसके बाद से एक कॉफ़ी का पूरा लंबा प्रोडक्शन तैयार हो गया कर्नाटक में। आपको सुनकर हैरानी होगी कि कर्नाटक राज्य पूरे देश में इकलौता ऐसा प्रदेश है जो सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन करता है। यहाँ पर अरेबिका कॉफ़ी और रोबस्टा कॉफ़ी का उत्पादन होता है। साथ ही घने जंगल जो कि कॉफ़ी के प्रोडक्शन के लिए बड़े ही मुफीद माने जाते हैं, उसका कल्टीवेशन हार्वेस्टिंग इन्हीं घने जंगलों में हो पाती है। तो सामने की तरफ एक मुझे टावर मिला, हम लोग टावर पर चढ़े और पूरे खूबसूरत व्यू का आनंद लिया। और किस तरह से ये देखिए हसीन वादियाँ हम सभी का स्वागत करती हैं। यहाँ पर है कॉफ़ी की स्टेट। स्टेट का मतलब राज्य नहीं है, स्टेट का मतलब यहाँ पर कॉफ़ी के खेतों से है, बागानों से है, जहाँ पर कॉफ़ी पैदा होती है। तो हम लोग घूमे और हमने वहाँ के झींगुरों की आवाज़ सुनी, जिसे आपने बड़ा ही रेयरली सुना होगा कि इतने सन्नाटे में झींगुर की जो एक्चुअल आवाज़ होती है बहुत ही कैसी है। सामने खड़े हैं लंबे लंबे चंदन के पेड़ जो कि बड़े बेश कीमती होते हैं, इनकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन यहाँ पर इस कॉफ़ी स्टेट में चंदन के पेड़ मिलेंगे आपको। फिर आगे चल कर के हम आपको ये भी दिखाएंगे कि किस तरीके से कॉफ़ी का प्रोडक्शन होता है और उसका प्रोसेसिंग कैसे होती है। तो हम चल रहे हैं ऊपर की तरफ जहाँ पर इनका एक कैफ़े हाउस बना है, वहाँ पर छोटी मोटी मार्केट भी डेवलप कर रखी है और हम कॉफ़ी पियेंगे भी। तो चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर क्या कुछ मिलने वाला है नया। आगे बढ़े तो हमने देखा यहाँ पर इलायची के पौधे भी हमें दिख रहे थे, खूबसूरत खूबसूरत इलायची के पौधे। के बाद ये देखिए कॉफ़ी के पेड़ हैं, ये काफ़ी बड़े हो चुके हैं। और आपको बता दूं कि जो इसकी हार्वेस्टिंग होती है वो दिसंबर से जनवरी माह में होती है। बहरहाल अभी इसमें कॉफ़ी के बीज लगे हुए हैं, बेर की तरह साइज़ वाले ये कॉफ़ी के बीज, इन्हीं के अंदर जो इनका बीज होता है उसी को कॉफ़ी प्रोडक्शन के रूप में लेते हैं और प्रोसेसिंग में क्या करते हैं, इसका गूदा निकाल लेते हैं, बल्कि छिक्कल अलग कर देते हैं, और छिक्कल के बाद ये बेर की तरह दिखने वाले छोटे छोटे बीज और इसके जो बीन्स होते हैं वही कॉफ़ी बीन बनते हैं। कॉफ़ी बीन्स तो आपने खैर देखे ही होंगे फ़ोटोज़ में या दुकानों पर, लेकिन यहाँ पर मैं आपको कॉफ़ी के पेड़ दिखा रहा हूँ, कॉफ़ी के फल दिखा रहा हूँ और बता रहा हूँ कि किस तरीके से कॉफ़ी का प्रोडक्शन होता है। कॉफ़ी पूरे देश और दुनिया में इसी राज्य से सप्लाई होती है। पकने के बाद इसका रंग बिल्कुल लाल, सुर्ख लाल हो जाता है और जब पक जाती है तो बड़ी आसानी से इसका जो छिलका है वो उतर जाता है। उसके बाद इसके छिलके को उतार कर इसकी जो गुठली होती है
उसको सुखा लेते हैं और सुखाने के बाद इसकी रोस्टिंग होती है, इसको भूनते हैं और भूनने के बाद फिर इसकी प्रोसेसिंग होती है। तो फाइनली हम लोग आ गए हैं इस सुंदर से कैफ़े में जो बना है इसी कॉफ़ी स्टेट के अंदर। बहुत ही खूबसूरत कैफ़े हैं, चलेंगे इसके अंदर और देखेंगे यहाँ क्या कुछ। ये देखिए कॉफ़ी के बीन्स सूखने के बाद कुछ ऐसे हो जाते हैं, इनकी रोस्टिंग होती है और फिर रोस्टिंग करने के बाद इनको ग्राइंड करते हैं। आगे चक्की लगी हुई है, किस तरीके से कॉफ़ी को पीसते हैं ये भी आपको दिखाएंगे। कॉफ़ी के अलावा कूर्ग जो है हनी और स्पाइसेस के लिए भी मशहूर है। अगर आप कभी मडिकेरी कूर्ग आते हैं तो स्पाइसेस को ख़रीदना बिल्कुल ना भूलिएगा। इन मसालों की खुशबू इतनी तेज़ है कि यूरोप कंट्री से अंग्रेज़ और फ्रांसीसी इन्हीं मसालों की खुशबू सूंघते सूंघते सात समंदर पार करके हमारे देश में आ गए थे और हमें 200 साल से अधिक समय तक गुलाम बना के रखा था। तो वो केरल और कर्नाटक के मसालों को सूंघ के आए थे। ये देखिए क्या टेस्टी कॉफ़ी बनी है हमारे लिए, यहाँ पर कॉफ़ी बनकर आई है और हम लोग इस कॉफ़ी का आनंद लेंगे। और वाह क्या डेलिशियस कॉफ़ी बनी भाई। और आपको बता दूँ बाहर कॉफ़ी 50 रुपए की 60 रुपए की मिलती है, यहाँ पर 10 रुपए की। जितने की कॉफ़ी मिलती है उतने ही रुपए की चाय मिलती है। तो कॉफ़ी चूँकि यहाँ पे बहुतायत मात्रा में होती है इसलिए खूब स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी बनाते हैं लोग, पी करके दिल खुश हो जाता है। अगर आप कॉफ़ी के शौकीन हैं तो फिर कभी यहाँ आएँ तो इस कॉफ़ी स्टेट में ज़रूर घूमने आएँ और आनंद लें इस स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी का जो यहाँ पर बनाते हैं। बहरहाल मैं यहाँ पर फिल्टर्ड कॉफ़ी पी रहा हूँ और बहुत ही टेस्टी कॉफ़ी है। ये ग्राइंड करने के बाद कॉफ़ी कुछ ऐसे बनती है। आगे हम आपको वो चक्की भी दिखाएंगे जिसमें कॉफ़ी को ग्राइंड करते हैं, उन बीन्स को, वो हरे जो बीन्स होते हैं कैसे लाल होते हैं, लाल के बाद गुठली निकाल कर रोस्टिंग करके आगे की प्रोसेसिंग में उनको किस तरीके से उस चक्की में ग्राइंड करते हैं ये भी दिखाएंगे। हमने इसी कैफ़े से नीचे के व्यू का एक नज़ारा लिया और देखिए क्या खूबसूरत घने जंगल, प्राकृतिक आवरण और सुंदर सी कुर्सियाँ, यहाँ पर बैठ करके कॉफ़ी पीजिए, नाश्ता करिए। बता दूँ दोस्तों हम लोग हिल स्टेशन जाते हैं एंजॉय करने के लिए, लेकिन मंसूरी, नैनीताल और शिमला इतने क्राउडेड हो गए हैं कि वहाँ जाने के बाद ऐसे लगता है मानो हम अमीनाबाद में आ गए हों। अमीनाबाद लखनऊ की एक मार्केट है जहाँ पर बड़ी धक्का मुक्की होती है। तो सोचिए आप आते तो आप हैं इंटरटेन करने के लिए, मानसिक शांति लेने के लिए, लेकिन आप यहाँ आकर के परेशान हो जाते हैं। लेकिन कूर्ग एक ऐसा हिल स्टेशन है जहाँ पर आने के बाद आपको भीड़ तो बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली है और आपको पूरा मज़ा आएगा। साथ ही में हमने देखा कि शॉपिंग करने के लिए ढेर सारे मसाले और जो इनके अपने लोकल प्रोडक्शन है, यहाँ की जो फ्रूट बियर है, फ्रूट वाइन है वो मिलती है, इनका हनी है वो भी इसी कॉफ़ी कैफे हाउस में मौजूद है, और साथ ही में इनके जो कुछ लोकल प्रोडक्ट्स हैं वो भी यहाँ पर बिकते हुए पाए। तो हमने कुछ चीज़ों की ख़रीदारी भी की, हालांकि हमारे पास अभी हम लोग उस तैयारी से नहीं आए थे कि हम ज़्यादा मसाले ख़रीदें, और आप लोग भी मसाले ख़रीदना चाहते हैं तो प्लीज़ यहाँ से ना ख़रीदें बल्कि कूर्ग के अंदर कहाँ पर अच्छे मसाले मिलते हैं वो मैं आपको जब कूर्ग का एक अलग से वीडियो बनाऊँगा कि कूर्ग में जो कम से कम 4-5 जगह घूमने वाली हैं उनको कवर करूँगा, तब मैं आपको बताऊँगा कि आप मसालों की ख़रीदारी कहाँ से करें। ये देखिए कॉफ़ी बीन्स रोस्ट होने के बाद चक्की में पड़ी हुई हैं और इसके बाद यहाँ पर ये प्रोसेस होगी और फिर इसको प्रोसेसिंग के दौरान ग्राइंड किया जाएगा। और जो कॉफ़ी पाउडर हम लोग देखते हैं अपने घरों में डिब्बों में पैक होकर आता है, बड़ी महंगी वो पैकिंग होती है, बड़े महंगे डिब्बे मिलते हैं, तो इसी तरीके से इस चक्की में पीसने के बाद वो डिब्बों में पैक किया जाता है और तब बनती है वो कॉफ़ी जिसे हम पीते हैं अपने घरों में। तो बहरहाल हम लोगों ने इस कॉफ़ी स्टेट में काफ़ी समय बिताया और घूमा और देखा कि काफ़ी हसीन और एक अलग तरह की चीज़, अलग तरह का फील आया। और ये देखिए पीपे में किस तरह से कॉफ़ी को ग्राइंड करते हुए इकट्ठा किया जा रहा है और इसी पीपे को पलट करके पैकेट्स में भर लेंगे या डिब्बों में भर के सप्लाई कर देंगे अलग अलग कंपनीज के नाम से। देखिए किस तरीके से बीन्स जो हैं, हम लोग जैसे गेहूँ पिसाते हैं गेहूँ वगैरह के तरीके से ही कॉफ़ी का चूँकि वहाँ प्रोडक्शन होता है, और कॉफ़ी के लिए कहते हैं कि क्लाइमेट ठंडा होना चाहिए। ये है हमारे, क्या शुभ नाम आपका? सर हैरी। हैरी यहीं के हैं आप? हाँ इधर का लोकल। मडिकेरी के हैं? मडिकेरी।
मडकेरी और कूर्ग में क्या अंतर है सर? मडकेरी और कूर्ग में क्या अंतर है? एक ही है सर, एक ही है। मडकेरी भी एक है, कूर्ग है। कूर्ग में अलग अलग सिटीज होते हैं, इसमें एक सिटी है मडकेरी। मडकेरी कूर्ग, और इसको कुछ और बोलते हैं, तीसरा नाम क्या है? और लोकल प्रोडक्ट्स होते हैं जो मैंने इसी कॉफी स्टेट में देखे और लोगों को खरीदते भी देखा। कुछ लोग खरीद रहे थे लेकिन मैंने तो ज़्यादा नहीं खरीदा। वुडन प्रोडक्ट्स तमाम सारे हैं, लकड़ी की सुंदर सुंदर चीज़ें जिन्हें हम अपने घरों में सजाते हैं या फिर कभी कभी ज़रूरत की चीज़ें भी होती हैं। और कुछ कप्स होते हैं, कुछ गॉबलेट्स होते हैं, और कुछ होती हैं सजावट की चीज़ें जिन्हें हम अपने ड्राइंग रूम में सजा सकते हैं। दोस्तों, हमारी ये वीडियो कैसी लगी कॉफ़ी स्टेट की, मुझे कमेंट करके बताएं। आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बगल में लगी घंटी दबा दें ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। जल्दी मिलता हूँ कूर्ग के एक नए वीडियो के साथ, जहाँ पर कूर्ग के वो फेमस स्थान कौन कौन से हैं जहाँ पर आप घूमने के लिए जा सकते हैं और कैसे जाएं, आपका बजट क्या होना चाहिए, वाहन क्या होना चाहिए, तमाम सारी चीज़ें शेयर करेंगे, साझा करेंगे आपके साथ उस वीडियो में। तब तक के लिए वेट करिए। जय हिंद, जय भारत।